लगातार आप हमारे आवाज में अपने नेता और हिंदुस्तान के करोड़ों नौजवानों के दिलों के आइकान आदरणीय अखिलेश यादव के गीतों को सुनने का काम करते हैं। और एक चीज जो मैं गाने जा रहा हूँ आपके बीच में, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा हमारे ऊपर तोहमत लगाते हैं, ब्लेम लगाते हैं कि हम धर्म में विश्वास नहीं करते। यार याद रखना, हमारा नेता नाम जिनका अखिलेश यादव है, आपसे ज्यादा पूजा पाठ करते हैं। फर्क इतना है कि आप दिखावा करते हो और हम दिल में रख करके काम करते हैं। तमाम गीत हमारा बाद में आप लोग सुने ला लो, आप लोग से निहोरा करबे करी ला, लेकिन अब तनिषा देवी देवता लोगों से भी हम अपने नेता अखिलेश यादव के लिए कुछ मांगना चाहते हैं। अच्छी लगे तो आप सब गाने को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कहना है क्या, तूफानों के दौर में, अरे वाह 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 क्या बात है, इनकलाब आएगा, वाह वाह वाह, हद से ज्यादा बढ़ गया जुर्म, इनकलाब आएगा, राह ढूंढती है यूपी अपने उस चहेते की, लोग कहते हैं फिर से अब समाजवाद आएगा। हम कैसे निहोरा कर तनिषा गौर करिया लोग कैसे, अरे रखिए खुशहाल है, अरे रखिए खुशहाल है उत्तर प्रदेश के, अरे रखिए खुशहाल है उत्तर प्रदेश के, देवी मैया आज पूरी दुनिया कह रही है, और डंके की चोट में ये धर्मेंद्र सोलंकी कह रहा है क्या क्या, रोजी रोजगार ना
100% वो इंसान बुरा है। आफत लेके है आई वालों बाबा, जब जब ये लोग सरकार बनेला देखो नया नया बीमारी देश में आवत रहे दुकान बीमारी आई बा कोरोना कहा था। बाप रे बाप, इतना हड़कंप मचल जा, लोग नाकी में मुंह में जादी लगा के सड़की को घूमता। धन्य हो भाजपा सरकार, पत्थर पड़ल है आधा गेहूँ सूत गई ना सब। शर्म अगर थोड़ी सी बची हो आपके अंदर सरकार में बैठे लोगों, अगर थोड़ी सी आपके अंदर जिम्मेदारी भी हो तो ये धर्मेंद्र सोलंकी समाजवादी गायक है, आप किसानों को ये जो फसलें बर्बाद हुई है ओला पड़ने से पानी पड़ने से आप उनको उचित मुआवजा देने का ऐलान आपको तत्काल करना चाहिए। लेकिन आपको धान से मतलब नहीं है, गेहूं से मतलब नहीं है, सरसों से मतलब नहीं थे, अंबानी से मतलब है, अडानी से मतलब है। एक मेरे हज देना रेल के 150 रुपया गैस बढ़ा दे बोलो ठीक, डीजल पेट्रोल बढ़ जाए ठीक, गिट्टी बालू बढ़ जाए ठीक, किसान मर रहा है और कोई भी जिम्मेदार आदमी सरकार का अभी तक कुछ नहीं बोला। अरे वाह, आज बड़े विश्वास के साथ उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है क्या देखना ही बात है। समझो, समझना पड़ेगा आपके सरकार में बैठे हुक्मरानों, समझना पड़ेगा आपको, ये सरकार जो आपकी आई है ना जनता को बरगला के आई है। हर साल नौजवानों को आपने रोजगार देने का वादा किया था, करोड़ों रोजगार देने का वादा किया था। अरे वाह, बताओ रोजगार कितना दिया आपने, नौकरियां छीनी जा रही है, फैक्ट्रियां बंद होती चली जा रही है। भाइयों बहनों, बड़ा हल्ला रहे, क्या चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? अरे वाह, ऐसा ये चाय बेच के आए थे और देश बेच के जाएंगे। देखा था लोग ना, हवाई अड्डा बिकाता, कई गो फैक्ट्री का लिस्ट जारी हो गई, वो बिकाया जाता लिस्ट। अब का भी कहले बिना बाकी बात धीरे धीरे वो तो हम लोग के सामने हो जाएगी। लेकिन आज देश का नौजवान सड़क पे खड़ा होके कह रहा है क्या, क्या? मांगे रोजगार, मांगे रोजगार।
सरकार की भाषा हो सकती है? ये सरकार कह सकती है अपने अधिकारियों से ठोको दिन दहाड़े, ठोको दिन दहाड़े।